अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइज आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो में जुबैर भाई ने एक पीसी रेडी किया और उन्होंने मुझे खुशी कहा था कि ये पीसी मैंने रेडी किए हैं इसके साल के 5 से 10 पीस, तो आपने लाजमी इसकी वीडियो बनानी है। तो आपको आगाही भी देना चाहता हूँ कि जो रेट्स मार्केट के आजकल चल रहे हैं, जुबैर भाई क्या रेट्स दे रहे हैं आजकल के, और बाकी हमारे रेट्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता है जुबैर भाई की वीडियो भी इंशाल्लाह बराबर बनाएंगे और बाकी डिटेल अपने जुबैर भाई आपको खुद ही देंगे कि कौन सी वीडियो उन्होंने रेडी की है, क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स है, और बाकी अगर आपको किस तरह की बिल्ड चाहिए तो कितने तक की मिल सकती है। नंबर जुबैर भाई का मैं दे दूंगा साथ में, अगर आप भी कोई बिल्ड इनसे लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का सर, आप ठीक है, आपकी फिटफाट है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुबैर भाई, क्या रेडी किया है आज आपने? अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले मैं आपका सलाम दुआ करना चाह रहा हूँ कि जैसा हमने बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाई हुई थी डेली प्राइस आइडिया का, प्यारे भाई जुबैर मलिक बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया होगा मेरा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और बहुत सारी वीडियो मैं बना के दूंगा इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू, क्योंकि हम फिर दोबारा रिवाइंड कर रहे हैं। तो मैंने ये पीसी ना एक अदारे में दिए थे मैंने, तो मेरे पास ये बिल्ड एक अच्छी रेट में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि यार मैं अपने कस्टमर को भी ये चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो भाई को तभी मैंने बुलाया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरे पास दोबारा रिवाइंड आए और इन्होंने मेरी वीडियो बनाना बेहतर समझा। तो इंशाल्लाह हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मेरे पास आप चेक कर सकते हैं कि डिब्बा बंद ही मेरे पास ये केसिंग पड़ी हुई है, उसके बाद मैंने इस पीसी के अंदर टोटल बाय टोटल डिब्बा बंद ही चीज़ यूज़ की है। ठीक है, बॉक्स पैक है, अदारे में देना था इस वजह से बॉक्स पैक ही हर चीज़ का मैंने रिव्यू आपको दिखाने लगा हूँ। जैसा कि ये केसिंग मैंने यूज़ की है, उसके बाद मैं इसके अंदर मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ H510M वाला। ठीक है मेरे भाई, मैं बताता चलूँ ये पीसी किस स्पेसिफिकेशन के लिए बना के दिया गया है। ये है भाई जान Core i7 11th जनरेशन, कॉपर का इंटेल में ओरिजिनल फैन लगाया है, ये वाली केसिंग मैंने यूज़ की है। उसके बाद इसके अंदर मैंने GTX 1650 VGA कार्ड यूज़ किया है। उसके बाद मैंने ये पावर सप्लाई जो है मेंटिक की, ये 350 वाट की यूज़ की है। उसके बाद मैंने मेरे भाई इसके अंदर ए डाटा 3200 MHz वाली DDR4 की रैम यूज़ की है। उसके बाद मेरे भाई इसमें मैंने प्रोसेसर का जो है वो आपको बता दिया है। मेरे भाई इसके अंदर मैंने मदरबोर्ड जो है वो GigaByte का यूज़ किया है, जिसका मॉडल है H510M। ठीक है, तो हम सब अपना इनके सबके रेट आपसे मैं डिसाइड करूंगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारे रेट आपको देने वाला हूँ। हार्ड ड्राइव और NVMe का बता दें। हाँ जी, और इसमें मेरे भाई मैंने 256 NVMe यूज की है, उसके बाद मैंने WD की 4 TB हार्ड डिस्क यूज की है। ठीक है, तो मैं इसको आपको चला के भी दिखा दूँ ये पीसी अपना, क्या कहते हैं पीछे पावर देख, तो ये पीसी रेडी पड़ा हुआ है, बिल्कुल 100 ओके है, मैंने ये बिल्ड बना के दी हुई है। तो हम वीडियो की तरफ आने लगे हैं मेरे भाई, अब आपको मैं हर चीज़ के अलहदा अलहदा रेट बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको अच्छे रेट भी मिलेंगे। और मेरी शॉप से किसी भाई को कुछ और भी चाहिए हो तो इंशाल्लाह, भाई कह रहे हैं कि वीडियो में आप मेरा नंबर दे दिया जाएगा, तो जिस भाई को जो चीज़ चाहिए हो इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। तो पूछें अपना जुबैर भाई, बस ये बता दें कि जो इनके अंदर कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, इनकी वारंटी वगैरह किस लेवल की है और क्या है वाकई? ए नहीं हटता। अच्छा अच्छा जुबैर भाई, ये बता दें इनके अंदर जो आपने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, इनकी वारंटी किस लेवल की है, क्या बाकी क्लेम होगी कि नहीं, या 7 डेज 15 डेज वाला सीन होगा? नंबर एक ये बात है, और नंबर सेकंड पे ये है कि इनके कंपोनेंट्स की प्राइसिंग बता दें और बता दें कि इसके ऊपर आप क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, साथ में प्राइसिंग बता के वीडियो को एंड अप जल्दी करें ताकि हमारे कस्टमर बोर ना हो जाए। ठीक है, अच्छा सर, बात मुख्तसर से ये करने लगा हूँ कि जैसे आप जब भी चेक कर रहे हैं कि वेंटस में मेरे पास MSI का एक VGA कार्ड अवेलेबल है, ये 1650 मॉडल है, ये इंटरनेशनल वारंटी के साथ है, इसकी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, जिसमें आपको मार्केट का रेट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मार्केट में कमो पेश आपको 60 से 62 हज़ार रुपया मार्केट का रेट मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 1650 है, सुपर नहीं है, अगर आप इसको वारंटी विदाउट वारंटी चीज़ लेना चाहेंगे तो मार्केट से मे भी शायद 35,000 के अराउंड मिल जाए, जिसकी 1 मिनट की वारंटी नहीं होती, लेकिन ये इंटरनेशनल वारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, ये फुली एंड फाइनल 58,000 का आपको मैं VGA कार्ड दे दूंगा और बहुत ही मुनासिब रेट है ये। ठीक है, जिसके बाद मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, ये मेरे पास जितनी भी टोटल अशिया पड़ी हुई हैं ये सारी इंटरनेशनल वारंटी के साथ है, क्योंकि अदारा जो है वो इंटरनेशनल बेस पे काम करता है, लोकल काम नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बता देना जा रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल बेस पे जो रकम होती है वो आपको क्या मिलेगी, और एक मार्केट में यूजिंग के हिसाब से, मतलब ये लोकल आते हैं जिसकी वारंटी नहीं होती, होते ये भी नहीं, तो इस वजह से इनके रेट भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे पास H510 मॉडल पड़ा हुआ है जो 11th जनरेशन 10th जनरेशन को सपोर्ट करता है,
इसमें मेरे भाई आपको जो H510 अगर इंटरनेशनल वारंटी के साथ चाह रहे हैं तो ये 40,000 रुपये का मदरबोर्ड मिलेगा आपको। ठीक अगर है आप कह रहे हैं कि भाई मैं इसकी वारंटी नहीं चाहता, जस्ट 7 डेज यूज वारंटी चाहता हूँ, तो मेरे भाई ये आपको मार्केट के अंदर से कम 30-32 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, लेकिन मैं ये आपको मदरबोर्ड 27,500 रुपये का दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, दो रैम स्लॉट ये में, ठीक 2 RAM बैंक स्लॉट में मदरबोर्ड है और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा रेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, है सर। उसके बाद हम पावर सप्लाई की तरफ आते हैं। ये भी मेरे भाई इंटरनेशनल वारंटी के साथ है, इसकी 10 माह की वारंटी होती है। ठीक है, ये आपको मार्केट के अंदर से 8,500 के लगभग मिलेगी, लेकिन मेरे पास इसमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ये आपको 3,200 रुपये की पावर सप्लाई मैं दे दूंगा, जिसकी 10 माह की वारंटी भी होगी। ठीक ठीक है, हो गया, तो बेहतर है। ये 350 वाट है, इसमें मैंने 580 वगैरह रन करके देखा हुआ है। 4 GB वाला कार्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, बाकी इस पे मैंने चला के लिए, ये बड़ी विजिबल रहे। ठीक एट है पिन मेरे है इसके जी, अंदर, 8 पिन है, चले 6 पिन है, 8 पिन कनेक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, सही। प्रोसेसर वो इंक्लूड हो जाता है, वो इसका कोई इशू नहीं है। की ठीक है, प्राइस, और मेरे भाई इसमें मैंने Core i7 11th जनरेशन, जिसको i7 11700 प्रोसेसर मैंने यूज किया है। ये आपको मेरे भाई कमो बेश मार्केट के अंदर से 10 माह की वारंटी में 96,000 के लगभग आपको ये प्रोसेसर मिलना है। ठीक है। ठीक है, जिसकी इंटरनेशनल वारंटी होगी। आपने अभी इंटरनेशनल वारंटी वाला लेना है तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं वो भी दे सकता हूँ। लेकिन अक्सर का कस्टमर जो है वो इतनी बिहाइंड वैल्यू पे नहीं जाते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अखराजात नहीं करना चाहते। जो मार्केट में मुनासिब और एकदम पे चलते हैं चीज, वही आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो बात मुख्तसर ये है कि आपको 11700 जो है ये प्रोसेसर फुली एंड फाइनल मेरे से आपको 78,000 का मिल जाएगा। ठीक ठीक है, हो गया। 78,000 में इंशाल्लाह आपको मैं रेट दूंगा। आपको भी पता है कि मेरे रेट पहले से भी मुनासिब थे और अभी भी इंशाल्लाह मैं मुनासिब ही दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बाद वाली बात जो आ जाती है मेरे भाई, जिसमें मैंने ए डाटा की 32 GB की रैम सिंगल अपना यूज़ की है, जो 3200 MHz की है। ठीक है, ये ए डाटा आपको फुली एंड फाइनल जो है मेरे भाई आपको बहुत ही मुनासिब से रेट में 20,000 रुपये में आपको ये मैं रैम दे दूंगा, जो 32 GB की सिंगल स्टिक रैम है 3200 MHz के अंदर। ठीक ठीक हो है, गया। ये ओवर क्लॉक भी होती है, ओवर क्लॉक आप 3600 MHz तक लेके जा सकते हैं इसको, अगर मदरबोर्ड अच्छा लगा हुआ हो तो। जी ठीक जी है, ठीक जैसे जी कैटेगरी के मदरबोर्ड आते हैं ना, ये ओवर क्लॉक भी कर सकते हैं। है, उसके बाद मेरे भाई इसके अंदर मैंने एक WD की बताया, जैसे आपको 4 TB की हार्ड यूज की है, WD इंटरनेशनल अगर आप वारंटी के साथ लेना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई मिलनी है WD 4 TB, 29,500 रुपया मार्केट का रेट है इसका, जो इंटरनेशनल 2 साल की वारंटी और लेटेस्ट मॉडल के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे खास तौर मार्केट में 90% वही यूज आइटम सेल हो रही है, तो कस्टमर उसको ही प्रोवाइड करते हैं। बाज़ अवकात लोग जो हैं वो उसी को ही डब्बा बंद करके भी सेल कर रहे हैं। जी, ठीक तो मुनासिब सी बात जो एक खत्म होने वाली बात यह है कि WD में 4 TB आपको मेरे से 12,000 रुपये की मिल जाएगी। जो ठीक है, यूज में है। जो यूज के अंदर है, अगर डिब्बा बंद लेना चाहता है तो 26,500 की मैं डिब्बा बंद भी दूंगा। मेरे पास पीस पड़े हुए हैं इंटरनेशनल वारंटी में, वो अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक ठीक है है, सर। उसके बाद मेरे भाई मेरे पास एक SSD रहेगी, चीज रह गई, NVMe। एनवीएम, जो इसके अंदर मैंने लगाई हुई है 256 GB एनवीएम मैंने इसमें सैमसंग की लगाई हुई है, जो डिब्बा बंद है और उसकी 25 MB पर डाटा रेट है। ठीक ठीक है, है, यूज के अंदर 6 MB पर डाटा ही रेट मिलेगा आपको, लेकिन डिब्बा बंद जो एनवीएम लेटेस्ट है, जिसकी Gen 4 कहा जाता है, Gen 4 इसमें Gen 4 या Gen 3 की भी इंट्रक्शन आती है, मुझे पता है। तो उसके बाद मेरे भाई आपको 25 MB डाटा ट्रक्शन वाली मिल जाएगी। ये 8,500 की मिलेगी डिब्बा बंद, अगर किसी भाई ने लेनी है। अगर आपने यूज ही लेनी है, नॉन वारंटी के साथ लेनी है, तो मार्केट से 4,500 और 4,500 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही रेट मेरा, ये Gen 3 के इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल, मैं इसमें फिल वक्त Gen 4 यूज कर रहा हूँ, जो डिब्बा बंद है। Gen ठीक है, 4 Gen 4 है, जो आपको पता होना चाहिए कि H510 H610 में ये यूज होती है, ठीक है, 410 सीरीज में Gen 3 ही चलती है। ठीक ठीक हो है, गया। उसके बाद मेरे भाई दूसरी बात आ जाती है, मैं इसमें केसिंग यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, केसिंग आपको बड़े मुनासिब रेट में मिल जाएगी, काफी क्वांटिटी इसकी पड़ी हुई है, तो जिस भाई को चाहिए हो ये फाइनल मुझसे 6,000 रुपये में ये केसिंग ले सकता है। ये RGB केसिंग है, सेमोलेटर एडिशन है, नॉन फैन है, इसमें कोई फैन का इंट्रक्शन नहीं मैंने दी, तो ये मुनासिब मेरा रेट है। ठीक है, तो अब हम पूरी एक LCD की बिल्ड की प्राइस, तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक LED आपको बता रहा हूँ, ये मेरे भाई बेजरलेस LED है, ये आपको 24 इंच में मिलेगी और 1080p अल्ट्रा शार्प डिस्प्ले में मिलेगी। इसमें लेटेस्ट पोर्ट अवेलेबल है, अगर कोई कस्टमर मैक को भी यूज करना चाहता है तो इसमें भाई सी टाइप की केबल भी अवेलेबल है, HDMI भी अवेलेबल है, उसके बाद इसमें डी पोर्ट भी अवेलेबल है। ठीक हो ठीक है, गया। तो
ये लेटेस्ट कैटेगरी में है, 2018 का मॉडल है, सी टाइप। अगर किसी बंदे ने मैक के लिए यूज करनी है तो ये एलईडी बड़ा आसानी यूज हो सकती है, 60 हर्ट्ज ठीक में। है। ये 60 हर्ट्ज के अंदर है, 1080p अल्ट्रा शार्प डिस्प्ले है, ठीक है मेरे भाई। ये वाली एलईडी जो है ना, आपको मार्केट से अराउंड फिगर 25,000 के लगभग मिलनी है, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको बहुत ही मकूल सा रेट देने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रेट देने जा रहा हूँ। जिस भाई को चाहिए हो, ये 20,000 रुपये में मुझसे ये परचेज कर सकता है। जबरदस्त मैंने कोई 500 हजार का डिफरेंस नहीं लगाया, मैंने टोटल उनको बता दिया है, 5,000 लेस करके बता दिया है कि मार्केट के रेट से मैं 20,000 रुपये में आपको चीज अवेलेबल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक तो है मेरे भाई, भाई, ये वीडियो लंबी हो रही है, कोशिश ठीक करेंगे है, आप वाइंड अप करें। ठीक है। और मैं इस वीडियो को अब खत्म करने जा रहा हूँ मेरे भाई, आपको टोटल एक अच्छा सा रेट देने जा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी डील आपको मार्केट से कम 2 से 2.5 लाख के ऊपर के लगभग मिलेगी, अगर आप इंटरनेशनल वारंटी में चाहते हो तो। यूज में तो मेरे चाहे 1.5 लाख की भी मिल जाए यूज आपको, में आपको 1.5 लाख में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इंटरनेशनल वारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि ये 2.5 पौने 3 लाख की बिल्ड है ये टोटल की टोटल, अगर आप अच्छी प्रोडक्शन वाली चीज लेना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं इस बिल्ड का टोटल रेट आपको 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। ये पूरी की पूरी बिल्ड ऐसे ही आपको 2 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी मेरे भाई, और फुली एंड फाइनल प्राइस के साथ मिलेगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको प्रॉपरली एक इंटरनेशनल वारंटी मिलेगी, अच्छा ठीक है अगर मेरे भाई। यूज में अगर आपको प्राइस ज्यादा लग रही है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लाजमा रब्ता करें जुबैर भाई से, वो आपको बता देंगे कि यूज में आपको 140 तक भी शायद अरेंज कर देंगे जी, चीज, 140, 150, 160, तो 40-50 हजार का फर्क। चीज की बिल्ड है वो जिस कस्टमर को जिस हिसाब की चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह हर हिसाब की मिल जाएगी। प्राइस मैं देख के घबराना इंटरनेशनल नहीं इस आप, वजह से कह रहा हूँ कि बाज का अदारे होते हैं जो वो अपना इंटरनेशनल वारंटी के साथ ही चलते हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो खास बनाना बेहतर समझी कि जो लोग इंटरनेशनल बेस पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह मैं उनको भी ये कवर कर सकता हूँ। और जिस कस्टमर को रेट ज्यादा लग रहा है वो मुझसे एक मरतबा कॉल मैसेज करे, मैं यूज चीजों में भी उनको चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक जी जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई ने आपको इस बिल्ड की प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये बिल्ड लेने में, अगर आपको चाहिए कि आपको वारंटी ओरिजिनल चाहिए, 10 मंथ की वारंटी जो क्लेम भी हो, तो आप रब्ता करके इस तरह की बिल्ड बाय कर सकते हैं। और अगर आपने यूज़ में कंपोनेंट्स लेने हैं जिसकी 7 डेज 15 डेज वारंटी है, जो कि आमतौर पर हम भी सेल आउट करते हैं मार्केट में चलते हैं, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। आपको 40 से 50 हजार का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपके किस तरह का टेस्ट है, आप किस तरह की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, बाकी इनका कैश ऑन डिलीवरी अगर वो कर सकते हैं तो आप पर्सनली रब्ता कर लें, नहीं कर सकते तो आप वो भी पूछ लें, डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप आसानी से इनसे चीज़ ले सकते हैं आँखें बंद करके। आप जानते होंगे जुबैर भाई को भी, रेगुलर इनकी वीडियोज़ आती थी कभी, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको अपडेट दिया करें जुबैर भाई के पास जो स्टॉक होता है, ताकि आपको दूसरे रेट्स भी कंपेयर करने को मिल सकें। तो ऐसी मजीद मालूम आती है और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे और जुबैर भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।